हेलो फ्रेंड्स, मेरा मनोज कुमार है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राउटर के बारे में जो हमारी कंपनी CP+ के द्वारा जो 4G सिम सपोर्टेड सिम कार्ड कम राउटर दोनों ये जो लॉन्च किया गया है, ये इसके बारे में इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए, ये जो राउटर है आपका, ये जो आप जो देख रहे हैं CP-GR DE 412, ये आपका मॉडल हुआ, ठीक है। उसको मैं चलिए डब्बा खोलता हूँ, क्या क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका राउटर हो गया आपका, इसमें टू बैंड है आपका, चार राउटर है, दो आपका एक्सटर्नल एक्सटेंड करने के लिए और दो आपका वाईफाई के लिए, ठीक है। दो 4G सपोर्टेड वाईफाई आपका एंटीना है और दो आपका एक्सटर्नल वाईफाई एंटीना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, एक यूज़र मैनुअल और एक आपका रहेगा लैन केबल और एक इसका अडाप्टर रहेगा आपका, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये आपका राउटर हो गया। लुक वाइज आप देख लीजिए, बहुत ही हैंडसम लुक बनाया गया है इसका। और साथ में आपका ये पावर एंटी अडाप्टर के साथ मैंने ये इंसर्ट किया पावर। इसका अगर इंटरफेस की बात करूँ तो इसमें एक आपका पावर का अडाप्टर दिया हुआ है, एक रिसेट का बटन दिया हुआ है, दो लैन पोर्ट दिए, एक वैन पोर्ट दिए और ये सिम स्लॉट का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने जियो का भी सिम टेस्ट किया है, वोडाफोन का जो हमारे पास जो सिम अवेलेबल था उस पर मैंने चेक किया है, प्रॉपर काम करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले सिम को इंसर्ट कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका, ठीक है। सिम जो है आपका, ये जो देखिए इस तरह से, ये सिम जो कटा हुआ भाग है ये आप आगे की ओर रखेंगे और आपका लेफ्ट हैंड साइड की ओर होगा, ये आप इंसर्ट कीजिएगा, जोर ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, अदरवाइज ये सिम डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ आप देख रहे हैं, ये जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये प्रॉपर ये वापस आपको छोड़ देगा, डैट मीन्स कि ये प्रॉपर बैठ रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसको हल्के हाथों से इसको आप प्रेस करेंगे, ये आपका प्रेस हो गया, ये लॉक हो गया आपका। वापस जब निकालना होगा तो एज इट इज जिसमें प्रेस करेंगे तो ये आपको वापस भी आ गया, राइट। तो एक ध्यान चीज़ देखेंगे कि जब आप इसको पावर ऑन करेंगे तब सिम मत लगाइएगा, इसको पहले आप सिम इसको इंसर्ट कर देंगे आप प्रॉपर, और उसके बाद ये पावर अप करना है आपको, ठीक है। अगर पावर ऑन के ही दौरान अगर आप सिम चेंजेस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका सिम प्रॉपर काम ना करे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेटिंग्स के बारे में। ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं लाइट, ये आपका पावर का है, ये देखिए वाईफाई आपका प्रॉपर काम कर गया, ये सिम का भी जो है ये आपका, ये भी आपका प्रॉपर काम करना शुरू कर गया है, ठीक है। जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा डैट मीन्स कि ये आपका सिम आपका वाईफाई में काम करना शुरू कर गया है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके लैपटॉप पे, ये देखिए अभी रेड था ये, अभी ये ग्रीन हो गया है, ध्यान से देखिए ये ग्रीन हो गया, अभी रेड था ये ग्रीन हो गया, बाकी दो ब्लू जल रहे हैं आपके, ठीक है। अब हम आते हैं लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो IP है वो यहाँ पे लिखा हुआ है 192.168.0.1, ठीक है। ये आपका मॉडल नंबर है और जब आप SSID यानी कि जो आप वाईफाई का नाम है, ये आपका CP+3606 के नाम से रहेगा। पासवर्ड आपका ये आपका रहेगा। इनिशियल वे में आप इनिशियल जब रहेंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, या तो मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या फिर आप लैपटॉप से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उस फेज पे आप ये SSID और ये आप पासवर्ड यूज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे मैंने बताया आप उसके बाद आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले इसको मैं यूज़ करता हूँ पासवर्ड इस वाईफाई। तो जैसे मैंने बताया कि ये आपका वाईफाई पासवर्ड है, ये मैं आपका वाईफाई सर्च कर गया, उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद अब आपको यूज़ करना है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो IP है राउटर का, ठीक है, 0.1, ठीक है। ये आपका राउटर का पेज आपका खुल गया। इनिशियल मोड में जब आप पेजेस खोलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इनिशियल पेजेस में जब आप कैमरा को ओपन करेंगे, इसका राउटर का इंटरफेस जब आप यूज़ करेंगे तब आपको क्या दिखेगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिम का मोड क्या है, 4G सिम सिस्टम मोड है आपका, वर्जन क्या है, लोकल टाइम क्या है, ये सारा कुछ आपको इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपका
जो IMEI नंबर है ये सारा कुछ आपको शो करने लगेगा, किस ऑपरेटर का है वो भी आपको शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये टावर आपका है, ये टावर आपका है, ये ध्यान से देखिए, ये जो आपका टावर है ये कितना आपका सिग्नल्स का स्ट्रेंथ वो आपको कितना अडप्ट कर रहा है वो चीज़ें आपके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं राउटर बंद करने के लिए जब फ्लो स्विच करना है आपको, तो ये आपका नेटवर्क तो रहेगा बट वो आपका लिंक टूट जाएगा। ठीक है, इस पर जब करेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद सबसे पहले हम स्टेटस के बारे में बात कर रहे थे, ओवरव्यू आपको मैंने बता दिया, यूज़र लिस्ट कौन कौन से इससे कनेक्टेड हैं वो आपको सारे इसमें दिखाते हैं आपको। अगर किसी को ब्लैक लिस्ट करना है वो भी पॉसिबिलिटीज़ है आपको। ठीक है, फिर हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आते हैं। तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आप जैसे ही खोलेंगे, एक मिनट मैं इसको दोबारा से पेज को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको स्टेटस के बारे में बता रहा था, आपको ओवरव्यू के बारे में बताया कौन कौन सी कंपनी है, राउटर क्या है, क्या आपका सिम का नंबर वगैरह, IMEI नंबर वगैरह सारा कुछ दिखाता है ये। उसके बाद आपका ये यूज़र लिस्ट, एक कनेक्टेड है तो आपका एक दिखाएगा, अगर मल्टीपल रहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस हिसाब से आपको दिखाएगा कितने लोग इससे कनेक्टेड है। ठीक है, मैक बैंडिंग करना चाहते हैं मैक बैंडिंग आप कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको ऐड करना है कि इस पर्टिकुलर डिवाइसेस को आपको मैक एड्रेस की मदद से आपको बंद करना है कि वो डिवाइस इस वाईफाई से अटैच ही ना हो, तो उसके लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। ये ये आपका जो नेटवर्क है वो वाईफाई या फिर लैन केबल से वो एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है ब्लैक लिस्ट का। अब हम आते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आपको जब दिखेगा तो ये जैसा सिंपलर, अभी मैंने 4G मोड पे यूज़ कर रखा है, तो अभी ये 1 के सीरीज में या 2 के सीरीज, सॉरी 0.2 के सीरीज या 192.168.0.2, तो 0 का सीरीज में आपका ये पास्ट आपका नेटवर्क हो जाता है, ये आपका पास्ट लास्ट वाला होस्ट हो जाता है। तो नेटवर्क जो है अभी 0 का सीरीज में है, तो ये 0 का सीरीज में आपको अलर्ट करना। आप चाहते हैं कि नहीं, हमारा CP+ का कैमरा है 1.250 जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे का IP होता है, या 240 आपका 1.240 आपका DVR का IP होता है, तो उसी सीरीज में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपल से लॉगिन करना है और यहाँ पे क्लिक कर करके आपको वन करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको क्लिक करके वन करना है। ये जब आप कर देंगे और यहाँ पे आपका एंड IP एड्रेस यहाँ जहाँ पर 00 है उसको वन कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पर सेव करना है। जब ये सेव कर देंगे तो एक बार ये राउटर रिस्टार्ट होगा, उसके बाद आपको ये अलॉट करेगा IP 1.1 के सीरीज में अलॉट करेगा, राइट। चाहे किसी भी आप जो भी आप सीरीज में चेंज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ मैंने 4G मोड सिम लगाया, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसको हम एज ए राउटिंग यूज़ करें, राउटिंग मोड, या फिर एज ए हम AP मोड यूज़ करें, मतलब मान लीजिए कहीं आपका राउटर लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ से आपको वाईफाई एक्सटेंड करना है, तो उस पर्पज़ से भी आपको AP मोड यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर स्विच लगा हुआ है आपका, हमारा ऑफिस में लगा हुआ है स्विच, यहाँ से LAN केबल निकाल करके और इस किसी भी पोर्ट में आप लगा दीजिएगा, इस पर इंटरनेट चलने लगेगा। दूसरी चीज़, आप जो वाईफाई जो यूज़ कनेक्टेड कर रहे हैं वो वाईफाई पे भी इंटरनेट चलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम राउटिंग मोड में आते हैं। तो AP मोड का मतलब एक तरह से एज ए रिपीटर भी कह सकते हैं आप। राउटिंग मोड भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। राउटिंग मोड में थोड़ा सा फंक्शन एडवांस क्या हो जाता है आपका, कि PPOE कनेक्शन, जैसे बहुत सा जब यूज़ करते हैं आप अपने ऑफिस में, तो लीज लाइन देता है, लीज लाइन देता है, तो कभी कभी होता क्या है कि वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देगा आपको, तो यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, आपको पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेव करना है, तो वो PPOE कनेक्शन होता है, आपको यू यूज करना है। अगर आपके पास स्टैटिक IP है तो आप स्टैटिक IP के थ्रू यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड IP एड्रेस सबनेट मास्क गेटवे DNS 1 DNS 2 ये 5 जो पैरामीटर होते हैं स्टैटिक IP के लिए वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। फिर सेव करेंगे, आपका स्टैटिक मोड पे ये ऑन हो जाएगा। फिर स्टेटस में फिर जाकर चेक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो आपको 4G दिख रहा है ऑपरेटर ये ना हो करके आपको वैन पे दिखाने लगेगा, ठीक है। अब हम आते हैं APN सेटिंग पे। इन केस अगर आपने किसी भी कंपनी का लिया, मान लीजिए BSNL का सिम यूज़ किया है, जैसे मैंने वोडाफोन और जियो पे चेक किया है, ये ऑटोमेटिक उठा लेता है। इन केस अगर आपका सिम, माफ कीजिएगा,
अगर आपका सिम बाई डिफॉल्ट यहाँ नेटवर्क शो कर रहा है बट नेट नहीं चल रहा है, तो उस केस में आप इसको मैनुअली इनेबल कीजिएगा, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड आप आपका जो ऑपरेटर है वोडाफोन टोल फ्री पे कॉल कीजिए, जो आपको APN जो वो देता है ऑथेंटिकेशन टाइप पैप चैप या पैप स्लैप चैप जो ऑप्शन आपको देता है ये वो डालिए, सेव कीजिए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो ये था आपका मैनुअल, वैसे तो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये उठा ही लेता है। अब हम बात करते हैं वाईफाई सेटिंग का। ये आपका वाईफाई है, जैसा मैंने बताया था शुरू में ही कि आप अपना वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप पासवर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे ये बताया आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए, ठीक है। पासवर्ड चेंज करने के बाद सेव कीजिए पासवर्ड आपका, जो यहाँ पर आपका जो SSID जो CP+ दिख रहा है आपके नाम से शो करने लगेगा, पासवर्ड जो आप बनाएंगे वो आपका शो करेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम चलते हैं फ्लो असिस्टेंट। तो आपने डेटा दिन भर में कितना यूज़ किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपने कितना यूज़ किया है, आपका बैलेंस कितना बचा हुआ है वो आपको बता देगा। ये आपका है फ्लो चार्ट कि आपका किस रेशियो से आप डेटा यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से मंथली पैक यूटिलाइजेशन आप रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सिस्टम मैनेज पासवर्ड, पासवर्ड अगर आपको बदलना है तो आप शुरू में ही लॉगिन जब करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड, आपको ओल्ड पासवर्ड में डालना क्या है, जो राउटर के पीछे यहाँ लिखा हुआ रहेगा पासवर्ड वो आपको पासवर्ड डालना है, और फिर जो नया में जो आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो आप बना करके इसको डाल दीजिएगा। नंबर और लेटर, केस सेंसिटिव ये नहीं लेता है, दोष याद रखिएगा, नंबर और लेटर लेगा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। लोकल टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सिंक करवा दीजिएगा फर्स्ट टाइम, वैसे बाई डिफॉल्ट तो ये सिंक ही रहता है। अपग्रेडेशन वगैरह की अगर बात आती है तो आप अपग्रेडेशन खुद से कर सकते हैं, या फिर कभी कभी ओवर द एयर जो आप हम लोग जो सॉफ्टवेयर अगर अपलोड करते हैं सर्वर के माध्यम से, तो आप यहां से भी आपका अपग्रेडर या तो लोकल से भी कर लीजिए या फिर OTA के थ्रू मदद से कर सकते हैं। सिस्टम लॉग, जैसे DVR में लॉग जनरेट होता है, NVR में लॉग जनरेट होता है कैमरे में, सिमिलरली इसमें भी सिस्टम लॉग आप कर सकते हैं कि राउटर के साथ क्या क्या किया गया, किस डेट में किया गया, किस टाइम में किया गया है, ठीक है। नेटवर्क डिटेक्शन के बारे में किए तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कि कोई अदर नेटवर्क का ही बंदा अगर इसको यूज़ करने की कोशिश किया तो वो IP को ट्रैक करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। या फिर आप कोई नेटवर्क का अदर नेटवर्क का IP आप इसमें डाल देते हैं, और अगर ये नेटवर्क की एक्सेस करने का अगर वो बंदा कोशिश भी करेगा तो वो ट्रैक कर करके आपको डिटेल देगा कि हाँ ये अननोन नेटवर्क का बंदा जो था एक्सेस करने का आपको नेटवर्क का एक्सेस करने का कोशिश कर रहा था। ये हुआ नेटवर्क डिटेक्शन, एक तरह से आप समझ लेते इसको कि ये एक फीचर्स दिया हुआ है सिक्योरिटी पर्पज से, कोई भी अनजान अथोराइज अनऑथोराइज पर्सन नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके विदाउट आवर परमिशन, ठीक है। ये जैसा रिबूट वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका वैन एक्सेस है, और फिर आपका ये सेटअप विजार्ड है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन है जो भी आपका है, जैसे 4G राउटर में हमने किया है, अभी ये जहाँ भी चेंज करना चाहते हैं आप जैसे हैं वो आप कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह बदलना चाहते हैं जैसे मैंने बताया आपको, बस इतना ही आपका फीचर्स है आपका 4G राउटर के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिले कि कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कैसे इसको रिसेट कर सकते हैं। थैंक यू।